मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हम लेखपाल के लिए दूसरा वीडियो। किसका दूसरा वीडियो है भाई? ये लाभ हानि का जो चैप्टर चलाया था हमने, उसी का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक आपने जिन चीज़ों को समझाया है उससे आगे बढ़ेंगे, और आज हम तीन टाइप यहाँ पर समाप्त करेंगे। तीन टाइप लेंगे आज। पहले टाइप क्या लेंगे? जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता हो, जैसे पहले किसी वस्तु को राम ने खरीदा, फिर उसी वस्तु को राम से श्याम ने खरीद लिया, फिर उसी वस्तु को श्याम से मोहन ने खरीद लिया, तो उसे मोहन को क्या देना पड़ा या राम को क्या देना पड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी टाइप लेंगे हम वो कौन सी जिसमें संख्यात्मक मान बराबर होते हैं और केवल क्वेश्चन में एक ही संख्या दी होती है, वो वाले क्वेश्चन लेंगे। और तीसरी टाइप लेंगे अंतर वाले। तो तीनों टाइपों को यहाँ पर हम करेंगे समाप्त, एक एक चीज समझेंगे। देखिए भाई, जब पिछली क्लास आपने देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 100% बराबर क्रय मूल्य के और 100 ± x% बराबर बताया था विक्रय मूल्य के। बस इसी सूत्र को आधार मानकर, इसी ट्रिक को आधार मानकर हम चाहे 10 बार वस्तु को बेच लो तो 10 बार ही कर देंगे। कैसे करेंगे भाई? देखिए भाई, पहले मैं बेचता हूँ वस्तु को। पहले एक बार बेचा तो x परसेंट का लाभ या हानि हुई, फिर दूसरी बार बेचा तो y परसेंट का लाभ या हानि हुई, फिर तीसरी बार बेचा मैंने तो z परसेंट का लाभ या हानि हुई। इसी तरह से कितनी भी बार बेचा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब जितने यहाँ पर परसेंटेज लिखे गए हैं, जितने बार मैंने ये यूज किया है, ये 2 बार हों तो 2 लिखने हैं ऊपर, 3 बार हैं तो 3 लिखने हैं, 10 बार हैं तो 10 लिखे हैं, क्या 100, उतने ही 100 लिखने हैं इंटू में। भाई यहाँ पर 3 बार कोई चीज़ बेची गई है तो 300 लिखने हैं और ये क्रय मूल्य आ जाएगा आपका, ठीक है जी। बात समझो जी, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, जो ट्रिक बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि अगर कोई वस्तु बार बार बेची जा रही है तो आपको ये देखना कि वो क्वेश्चन में कितनी बार बेची गई है। जितनी बार बेची गई है उतने ही 100 आने हैं, और भाई जितने 100 आने उसके नीचे आप ये लिख दें कि अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करके लिख दें 100 में, और हानि हो रही है तो माइनस करके लिख दें। ये क्रय हो जाएगा, ये विक्रय हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं भाई कई बार, इसे हम प्रारंभिक मूल्य भी कह सकते हैं, इसे प्रारंभिक मूल्य भी कह सकते हैं, और इसे अंतिम मूल्य भी कहा जाता है, इसे अंतिम मूल्य भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि खाली यही नहीं याद रखना रट्टा ही मार रहे भाई, रट्टा ही मार रहे कि क्रय मूल्य आना चाहिए, क्रय मूल्य नहीं आया तो फिर भी कैसा होगा भाई, ठीक है, या विक्रय मूल्य आना चाहिए, अंतिम मूल्य नहीं आ रहा तो कैसे होगा भाई। तो वो ऐसा होगा क्योंकि ये जो क्रय मूल्य है इसी को हम प्रारंभिक मूल्य कहते हैं, ये जो विक्रय मूल्य है इसी को हम अंतिम मूल्य भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, और क्वेश्चन से थोड़ी सी चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? उसने कहा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी, लाभ हुआ भाई शुरू में, ठीक है जी, और बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी, फिर लाभ है, और सी ने वही वस्तु डी को 10% लाभ पर बेच दी, अभी भी लाभ है, और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा। देखिए, मैंने अंतिम मूल्य प्रारंभिक मूल्य को बताया, आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, खरीदा जी ए ने कितने में खरीदा, ए के लिए क्रय मूल्य हो गया, डी ने कितने में खरीदा, डी का क्रय मूल्य हो गया, तो आप इसे क्रय को विक्रय को छोड़ दो, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य याद रखो आप। अगर पहले वाले नाम से उसने संख्या दी गई है, रुपए दिए गए हैं, तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा भैया, और अंतिम जो व्यक्ति है उसके नाम से उसने दिए गए हैं रुपए, तो फिर वो अंतिम मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 3 बार है तो 3 बार है तो 300 लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार भी 100 लिख देंगे, और बराबर यहाँ ये जो सबसे पहला व्यक्ति था ए, ये इसके बराबर है, मतलब आरंभिक मूल्य के, प्रारंभिक मूल्य के बराबर है। पहली बार हुआ था 25% का लाभ, 25% का लाभ, और 25% का लाभ है तो 100 में 25 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, 125 हो गया। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% का लाभ,
तो 120 हो जाएगा। और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया तो ये हो जाएगा भैया 110। और टोटल जो डी ने दिए, जो टोटल डी ने दिए वो दिए हैं 330 रुपये। कितने रुपए दिए? 330 रुपये। अब देखे भाई 110 से तीन बार कैंसिल हो गया, 3 × 12 = 40 आया भाई, 20 × 5 = 100 और 20 × 2 = 40। 2 से काट दिया मैंने 50 बार कट गया भाई, 25 × 5 = 125 और 25 × 100। 5 से काट दिया भाई 10 बार कट गया, तो 5 × 20 और 20 × 2 = 200। तो ये जो ए ने खरीदा था वो 200 रुपये में खरीदा था, जो माल डी को 330 रुपये में मिला वही माल ए को 200 रुपये मिला था। तो ए का मूल्य कहे या प्रारंभिक मूल्य कहे या वस्तु का जो है कंपनी वाला मूल्य कहे तो वो कितने हैं? 200 रुपये हैं। तो इस तरह से ये हुआ भाई आज का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीजें क्लियर होंगी कब होंगी? जब हम एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कुछ इसी टाइप से आपके लिए लिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो वह वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? उत्पादन मूल्य क्या होगा मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर, फुटकर मतलब अंतिम। देखिए उत्पादन कंपनी से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और फुटकर आप जहां से, जिस दुकान से आप लेकर आए हैं वो होती है फुटकर विक्रेता, वो होती है फुटकर प्लेस, ठीक है। तो वो अंतिम स्थान है उस वस्तु के बिकने का, फिर तो वो आपके घर गया और खाने वाली चीज़ है तो भाई पेट में चला गया, लॉकडाउन में वैसे भी जल्दी चल रहा है काम ये वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का लाभांश 10%, 3 बार बिकी है ये वस्तु भी, 3 बार बिकी है तो मैं क्या लिखूंगा, 100 × 100 × 100% बराबर उत्पादन मूल्य है। उत्पादन मूल्य क्या लिखा जाएगा भैया? उत्पादन मूल्य। पहले क्या हुआ से? पहले हुआ 10% का लाभ, 10% का लाभ मतलब 110। फिर क्या हुआ? फिर हुआ 15% का लाभ मतलब 115%। फिर क्या हुआ? फिर हुआ है उसे 25% का लाभ मतलब 125%। और बराबर कितने रुपए में यह फुटकर वस्तु का मूल्य कितना बना था? 1265 रुपये बना था, 1265। तो 1265 ही हमने लिख दिया इसके सामने। चलिए भाई करते हैं हल। 0 से 0 जाएगा, 11 से काट दिया पहले हमने, 11 एकम 11 और 11 × 5 = 55। ये तो बहुत आसान हो गया, 115 से तो 115 भी कट गया या नहीं। और 25 × 100, 25 × 125, 5 से काट दिया मैंने ये कितनी बार, 5 × 2 = 10, 20 बार, 20 × 80 और 80 × 10 कर दो तो आ जाएगा भाई उत्पादन मूल्य। क्या आ जाएगा? उत्पादन मूल्य। और ये कितना आ गया भाई? 800 रुपये। 800 रुपये क्या है इसका? उत्पादन मूल्य है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? 800 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का लेंगे एक क्वेश्चन और, जिससे बिल्कुल आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप भी सीख जाएं। हम तो कर ही देते हैं लेकिन क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने ये आप पर आने चाहिए, आप पर आते हैं तो ही हमारा लाभ है। देखिए भाई क्या है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेच रहा, बहुत बढ़िया भाई। ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दिया और बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, और यदि उसके लिए 264 रुपये देता है कौन? सी। तो ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए थे? ए ने उसे कितने में खरीदा था? मतलब यहां पर बात ये कही है, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो 2 बार वस्तु बिकी है, 2 बार लिखूंगा मैं, तो 100 × 100% बराबर किसके लिए पूछ रहा भाई? ए ने, तो ये प्रारंभिक की बात पूछ रहा। चलिए भाई, अब यहां पर पहले वाले को हुआ 10% का लाभ तो 110, और दूसरे वाले को हुआ है यहां पर 20% का लाभ मतलब 120% और बराबर 264 रुपए देने पड़े थे सी को
और मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको ए के जो रुपए हैं वो कमेंट करने चाहिए, क्योंकि दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। और अब तो कैलकुलेशन भी आसान है भाई, मैंने तीन तीन वाले करे, कहीं ये ना कहो बच्चे, आप लोग ये ना कह दो कि अपने आप तो कर दिए भाई आसान आसान और हमारे लिए दे दिया हार्ड, ये ना कहो। तो इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन किए उनमें यहाँ पर तीन तीन वैल्यू थी, आपके लिए दो वैल्यू छोड़ी है। तो आप एक कमेंट बॉक्स में जाइए, अभी इस क्वेश्चन को हल करें, हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे पता चलता है कि आप सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर नौकरी तो भाई पक्की है ही आपकी, ये तो निश्चित बात है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लिया, नहीं जी इसी को कराओगे आज, कुछ और नहीं करा लेंगे, नहीं कराऊंगे। लेकिन इस चीज का एक क्वेश्चन क्यों लिया गया, उसका कारण है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, ये कई कई बार बिकने वाले, सब में लाभ ही लाभ लिया। यहाँ पर माइनस भी तो लिखवाया आपने, हानि का तो कोई जिक्र ही नहीं करा। जब हानि का जिक्र नहीं करा तो इसका फायदा क्या है, तो देखते हैं भाई। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, और बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेच देता है, और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है, मतलब किसी अगले पर्सन को, मतलब डी को। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल्य लागत 3200 रुपये रखी गई है, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया। देखें क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज किया इस बार, यहां पर तीन बार वस्तु भी की है तो तीन बार लिखेंगे भाई, 100 × 100 × 100% और ए की वैल्यू यहां पर दी गई है। अभी तक अंतिम मूल्य दिया होता था, प्रारंभिक मूल्य हम निकाल लेते, लेकिन इस बार पहली बार जो क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आया, इसमें मूल लागत मतलब प्रारंभिक मूल्य दिया गया है 3200 रुपये। क्या दिया गया है भाई, 3200 रुपये, ठीक है। और आपको बताना है जो सी के को कितना मिला, या ये कह सकते हैं हम डी ने कितने में प्राप्त किया, या ये कह सकते हैं अंतिम मूल्य क्या है। तो मैं यहाँ पर अंतिम मूल्य लिख देता हूँ, या ये लिख दूँ सी को कितने में मिला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है भाई, पहले वाले को हुआ 10% का लाभ तो 110, दूसरे वाले को हुआ 7.5% की हानि, लाभ 7.5% का लाभ, 7.5 जोड़ दो लाभ जोड़ दो 107.5, और तीसरे वाले को हुआ 25% की हानि, मतलब हानि है, हानि क्या बताया था, क्या बताया, हानि घटाना है, सोने से घटाना, तो सोने से 25 गए कितने बजे भाई, 75, ठीक है जी। सेम आगे कुछ नहीं है, आगे वही काम करना, और जैसी आप इसे कैलकुलेट कर दोगे वैसी 2838 रुपये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आज जो हमने तीन टाइप बताई थी उसकी पहली टाइप यहाँ पर हमने की है समाप्त। कोई भी दिक्कत है इस टाइप में, अभी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरी टाइप लेते हैं, और दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा ही आसान होगा। क्वेश्चन से लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन में ही चीज़ों को समझा भी दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, आपके सामने क्वेश्चन आता हुआ क्या है, एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई है, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखे भाई, जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, पहली बात चीजें समझें, पहली बात क्या मिलेगी, केवल एक संख्या मिलेगी। क्या बताया मैंने, पहली बात क्वेश्चन में एक ही संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या नहीं मिलने की। दूसरी बात क्या ध्यान रखना, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी मिल सकता है, लाभ भी हो सकता है वही प्रतिशत में और हानि भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में आप क्वेश्चन कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वो जो एक संख्या है उसे ही लिखना, ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन दो ही तरह के बन सकते हैं भैया, तीसरी तरह का बनने का नहीं, ठीक है जी। लाभ या हानि का ही क्वेश्चन बन सके, चाहे लाभ का क्वेश्चन हो चाहे हानि का क्वेश्चन हो, दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखना है आपको क्या, कि इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, कैसे, अगर
अगर क्वेश्चन है लाभ वाला, अगर क्वेश्चन है लाभ वाला तो अंतर, क्या बताया मैंने, अगर क्वेश्चन है लाभ वाला तो अंतर और अगर क्वेश्चन है हानि वाला तो योग क्या होना चाहिए, 10। क्या होना चाहिए, 10। दोबारा समझे भाई, एक संख्या दी गई होगी, संख्या देने के बाद लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर लाभ दिया गया है, अगर क्वेश्चन में लाभ है तो अंतर और हानि है तो योग कितना आना चाहिए, 10। इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें, जैसे 144 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्योंकि लाभ है क्वेश्चन में तो अंतर 10 आना चाहिए, तो 18 की 8 में गुणा करूंगा 144 आ जाएगा, लेकिन 18 में से 8 घटा दूंगा तो 10 आ जाएगा। जैसे ही इतना काम बना वैसी बात बन जाएगी, दोनों के बराबर में एक एक जीरो चिपकानी और ये उत्तर आ गया आपके। कई बार तो दोनों ही संख्याएं उत्तर में देगा वो, कई बार तो दोनों ही संख्या उत्तर में देगा, लेकिन अगर वो एक एक संख्या ही उत्तर में दे रहा है तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर लेनी आपको छोटी संख्या, छोटी, और यहां पर लेनी बड़ी संख्या, ठीक है जी। तो अगर 144 वाले की बात करूं तो यहां पर जो सही उत्तर, जो परफेक्ट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, 80। इसका सही उत्तर बनेगा 80। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके लिए एक क्वेश्चन और लिया है हमने, जिससे कि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, और ज्यादा क्लियर हो जाए, तो उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्या है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, अब 21 रुपए की बात की है, क्या बात करी भाई 21 रुपए की, मैंने क्या बताया कि हानि है तो योग, हानि है तो योग किसका, इसके ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 10 हो। 21 के तो कोई भी टुकड़े कर सके भैया ऐसे, 21 के तो कोई भी टुकड़े कर सकता है आदमी ऐसे, कैसे, 7 या 21, दोनों के आगे जीरो चिपका दो, अगर दोनों ही उत्तर दे रखे हैं बहुत बढ़िया, नहीं दे रखे तो हानि का क्वेश्चन है, जो सही बिल्कुल उत्तर बनेगा वो 70 उत्तर बनेगा, उत्तर दोनों सही, लेकिन जो सही है कई बार वो दोनों दे देता है, कई बार केवल एक देता है। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर इसने दोनों ही दिए हैं, 30 और 70 दोनों ही दे रखे, तो इसका मतलब दोनों ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे। लेकिन जो इससे पहला क्वेश्चन था आपका, ये वाला 144 वाला, 144 वाले में अगर देखें आप तो उसने कितने, इसने दिया है देखो उसमें 72, 80, 90 और 100, मतलब वहां पर 80 उत्तर बनेगा। दोबारा समझ ले, लास्ट में इसे एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, लाभ वाले में छोटी संख्या, हानि वाले में बड़ी संख्या लास्ट में देखनी है, लाभ वाले में अंतर देखना, हानि वाले में योग देखना, 10। बस इतना सही काम था, ठीक है। अब तीसरी टाइप और ले लेते हैं, तीसरी टाइप लेते हैं और आज की क्लास को फिर समाप्त करेंगे भाई। तीसरी टाइप में क्या, अंतर की बात करी थी, लाभ हानि का अंतर दिया होगा, तो उसके लिए क्या है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है भाई क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो एक बार लाभ हुआ एक बार हानि, लाभ लाभ है अगर दोनों में तो आपको क्या करना, परसेंटेज का अंतर लेना है, ठीक है जी। हानि हानि है तो भी क्या करना, परसेंटेज का अंतर, लाभ हानि है तो क्या करना, परसेंटेज का योग करना, ठीक है जी, और सामने रखना कम या ज्यादा है। जैसे इसने कहा 20% का लाभ है, 20% की हानि, एक बार लाभ एक बार हानि जोड़ दो भैया 40% हो गया, 40% ही बराबर किसके हैं, 60 रुपए के अधिक है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय के लिए तो 100% हो गए, 100% बराबर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 20 × 40, 20 × 60, 200 × 50 बार, तो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना हुआ, 150 रुपये हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का भैया, जिसे ये क्वेश्चन भी मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन इसी वजह से नहीं ले रहा क्योंकि आसान है, और जब आसान है तो आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो 5 और 5 10, 10% बराबर किसके? 80 के हैं, ठीक है जी। और क्रय मूल्य पूछ रहा भाई, तो 100% बराबर किसका जाएगा? क्रय के, तो 0 से 0 गया और क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई? 800 रुपये आ गया है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? आपको ये 3 टाइप कैसी लगी? कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, उसका प्रयोग करें, और कमेंट में जो एक क्वेश्चन छोड़ा है उसका भी आंसर कर देख रहे हैं भाई, और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर दें। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।